रुचि घर का काम कर रही थी तभी उसी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। रुचि दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि दरवाजे पर उसकी सास कंचन अपना सामान लिए खड़ी थी। माँ जी नमस्ते, आप यहाँ? आप गांव से कब आई और अकेले कैसे आई? पहले बता दिया होता मैं ही आ जाती आपको लेने। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बस कर बहू, अब क्या सारे सवाल करने के बाद मुझे दरवाजे से ही अलविदा कर देगी तू? ये नहीं कि सास गांव से आई है तो शरबत पानी पूछूं, यहाँ तो तू अपने सवालों का टोकरा लेकर बैठ गई। माफ करना माँ जी, वो अचानक आपको शहर में देखकर मैं थोड़ी हैरान हो गई थी। आइए ना। माँ जी आपने बताया नहीं। क्या बताऊँ मैं तुझे अब? यही कि आप अचानक से शहर क्यों आ गई और बताया भी नहीं शहर आने से पहले। बता दिया होता तो मैं आपको लेने आ जाती ना, आपको भी तकलीफ हुई ना अकेले आने में। क्या बताना था बहू, मैं तेरी सास हूँ ना कि तू मेरी सास। जो मैं तुझे हर छोटी बड़ी बात बताती रहूँ, और मैं शहर में ही रहूँगी, अब गांव नहीं जाने वाली मैं अब। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, मैं तो अंकुर जी को हमेशा से ही बोलती थी कि माँ जी को यहीं ले आओ, लेकिन वो तो मेरी सुनते ही नहीं थे। आपने बहुत अच्छा किया कि आप खुद आ गई। बहू मैं सब समझती हूँ, तुझे मेरे आने से तो अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। सास जो आई है अब हर काम तुझे मुझसे पूछकर ही करना पड़ेगा, लेकिन मुझे गांव की गवार मत समझियो तू। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा आपके आने से, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। सास बहू की जोड़ी एक हो गई है ना, इसीलिए। रुचि अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कंचन अपनी बहू के हर काम में गलती निकालती और उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन कंचन सुबह सुबह नीम के दातुन से ब्रश कर रही थी और वहीं हॉल में थूक रही थी, तभी रुचि की पड़ोसन अनीता आती है और कंचन को हॉल में ही थूकते हुए देखती है तो अनीता को बहुत ज्यादा घिन आती है। अरे रुचि बहू, ये तेरे घर में कौन गवार औरत आ गई है, बताओ घर में ही थूक रही है। क्या हुआ अनीता आंटी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? बहू मैं तो इस औरत को देख कर ही चिल्ला रही हूँ, देख तो इसे अपने दांत साफ कर कर के यही थूके जा रही है, जरा सी भी अकल नहीं है। कैसे कैसे लोग घर में आते हैं बहू? अरे ओ किसे गवार बोल रही है, अभी एक झापड़ मार दिया ना, दो बार टप्पा खाती फिरेगी। अब ये मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ, इसमें ये बाहर की औरत क्यों लाल मिर्च लगा रही है? तुम मुझे मारोगी? अरे हाथ तो लगाओ, ऐसे हाथ तोड़ूंगी ना कि कोई बचाने भी नहीं आएगा, और तो और डॉक्टर तो इलाज करने से भी मना कर देगा, समझी तुम? ये पगलेट ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो मैं अच्छे से बता देती हूँ, अगली बार से बोलने से पहले 100 बार सोचेगी, बदतमीज कहीं की। इधर आ तू। हाँ तो खड़ी खड़ी इधर आ क्यों बोल रही हो, मैं क्या किसी से डरती हूँ? आना देख लूंगी। अरे बस करो आप दोनों, इतनी बड़ी हो गई हो दोनों की दोनों, लेकिन ऐसे बच्चों की तरह लड़ाई कर रही हो, जैसे पता नहीं किसने आपकी टॉफी चुरा ली हो। बहू देख, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, पड़ोसन जरूर हूँ, लेकिन हमेशा तुझे पूछती रहती हूँ, लेकिन ये तेरे घर में पता नहीं कौन गवार औरत आ गई है जो मुझसे इस तरह बदतमीजी कर रही है। अरे मेरी बहू के ये क्या कान भर रही है, तू जिसे बेटी बोल रही है वो मेरी बहू है, और मेरी बहू के मेरे सामने कान मत भर वरना गंजी कर दूंगी तुझे। बस करो आप दोनों। अनीता आंटी आप सुबह यहाँ मेरे घर पर क्यों आई हो, कुछ काम है क्या? बहू मैं तो चीनी लेने आई थी, लेकिन अब नहीं चाहिए। हाँ तो तुझे चीनी देगा भी कौन, मंगतन कहीं की। माँ जी आप भी बस करो। अरे अनीता आंटी हमारी पड़ोसन है, बहुत अच्छी है वो, और अनीता आंटी आप भी बिना बात के मेरी सास को कुछ भी कहोगे तो वो सुन के थोड़ी ना रह लेंगी ना। बहू ऐसी गवार सास को तो वही भेज दे जहाँ से लाई थी। अनीता इतना बोलकर चली जाती है। रुचि की सास की गवार वाली हरकतें रुचि को कई बार शर्मिंदा कर रही थी, लेकिन फिर भी रुचि अपनी सास को जरा भी नहीं सुनाती और हमेशा अपनी सास की तरफदारी ही करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन रुचि का पति अंकुर घर में सबके लिए पिज्जा लाता है जो कि कंचन को बहुत पसंद आता है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत स्वाद है सच में, तभी तो बोलते हैं कि शहर की बात ही अलग होती है। माँ आपको इतना ही पसंद आया है तो फिर ठीक है, कल मैं और ले आऊंगा पिज्जा, ठीक है ना? वाह बेटा, तूने तो मेरे मन की ही बात छीन ली, मैं तुझे यही बोलने वाली थी। अंकुर जी क्या आप भी माँ जी को और सर पर चढ़ा रहे हो? माँ जी ये सब खाना स्वाद के लिए अच्छा होता है,
लेकिन पेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, इसलिए ज्यादा मत खाओ। अंकुर बेटा, देख रहा है ना तू अपनी बीवी को, ये मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती है। अब तू ही बता कि मैं अपने मन का कुछ खा भी नहीं सकती हूँ क्या? ये शहर वाली है तो मुझ पे रौब जमाती है। क्या यार रुचि, तुम भी ना माँ पे रोक टोक मत लगाओ, और वैसे भी माँ कौन सा रोज रोज पिज्जा खाती है, एक बार खा लिया तो कोई बुराई नहीं है, इसमें भी तुम इतना सुना रही हो उनको। अंकुर जी, मैं माँ जी को सुना नहीं रही हूँ, ना ही उन पर रोब जमा रही हूँ। मैं बस इतना ही बोल रही हूँ कि माँ जी गाँव से आई हैं, उन्हें ये सब खाने की आदत नहीं है, तो ये सब माँ जी के लिए ठीक नहीं होगा ना। देखा बेटा कि फिर मुझे बोल रही है कि मैं गाँव से आई हूँ। माँ जी, तो मैं आपको या गाँव को नीचा थोड़ी ना दिखा रही हूँ, मैं तो खुद यही मानती हूँ कि गाँव के लोग और गाँव का खाना कितना अच्छा होता है, लेकिन पिज्जा में मैदा होता है जो पेट के लिए ठीक नहीं है। बहू, मैं गांव से शहर आई हूँ तेरे पास रहने, तभी तुझे इतनी परेशानी हो रही है ना। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी अब कुछ दिनों में। नहीं माँ जी, आप नाराज क्यों हो गई? मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी आपको मेरी बातों का बुरा लगा, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप बस कहीं जाइएगा मत। रुचि कंचन से माफ़ी मांगकर वो बात वहीं खत्म कर देती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और कंचन रुचि को सुनाकर खुद ही मासूम बन जाती है। एक दिन कंचन मोहल्ले में खड़ी होती है, तभी वहाँ अनीता एक दूसरी पड़ोसन से बात करती है। अरे बहन, तुमने सुना, ये जो खड़ी है ना, रुचि की सास है, वो भी गांव से आई है। बेचारी रुचि, उसकी तो किस्मत ही फूट गई। सही कह रही हो तुम, मैंने देखा है कि वो हमेशा अपनी सास के बारे में ही सोचती रहती है, लेकिन ये हमेशा ही उस बेचारी को नीचा दिखाती है। बताओ, ऐसा भी कोई करता है क्या अपनी बहू के साथ? और नहीं तो क्या, एक तो ये गांव से गवार सास आ गई, ऊपर से यही अपनी बहू पर रोब भी जमाती है। यही कोई दूसरी होती ना, तो एक बार में ऐसा सबक सिखाती कि अगली बार से मुंह नहीं खुलता। दूसरी क्या, अगर ये मेरी सास होती ना, तो भी मैं इसका जीना हराम कर देती। रुचि बेचारी तो हमेशा पिस रही है अपनी सास के आने के बाद से। अनीता और पड़ोसन दोनों कंचन के सामने ही उसकी चुगली कर रहे थे, और कंचन चुपचाप खड़ी सुन रही थी, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ उसकी बहू नहीं है, उसे बचाने के लिए। कुछ देर में जब रुचि आती है तो ये सारी बातें सुनती है। आंटी जी, आप दोनों को शर्म नहीं आती किसी के घर के बारे में बोलने का? और मेरी सास मुझसे भले ही कैसे भी बात करे, लेकिन इनकी बहू तो मैं ही रहूंगी ना। तो हमने ऐसा भी क्या कर दिया? क्या कर दिया? अरे मेरी सास के सामने ही आप इतना सब बोल रही हो, क्योंकि मेरी सास पलट कर जवाब नहीं दे रही है, और आज जो बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन आगे कभी ऐसा कुछ बोला और मैंने गलती से भी सुन लिया तो अच्छा नहीं होगा आप दोनों के लिए। कंचन को बहुत ही बुरा लगता है कि वो जिस बहू को हमेशा ताना देती थी, गलतियाँ निकालती थी, आज वही उसका साथ दे रही है और बाहर वालों का मुंह बंद करवा रही है, जिसके बाद कंचन कभी भी अपनी बहू के साथ गलत बर्ताव नहीं करती। सीता और गीता दोनों ही सगी और जुड़वा बहनें थीं, लेकिन फिर भी दोनों के स्वभाव में बहुत ही अंतर था। जहां एक तरफ सीता गुस्से वाली, मतलबी और पैसे की लालची थी, वहीं दूसरी तरफ गीता शांत, दूसरों के बारे में अपने से पहले सोचने वाली और सीधी थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सभी लोग सुबह के समय एक साथ बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी उनकी पड़ोसन मीरा उनके घर आती है और सीता गीता की माँ आशा से कहती है, आशा बहन, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था, मुझे पूरे मोहल्ले में एक बस तुम्हारे घर पर ही पूरा भरोसा है, मुझे यहाँ से निराश होकर नहीं जाना पड़ेगा, इसीलिए सुबह तुम्हारे घर आ गई। बात क्या है मीरा, ये तो बता, अगर मेरे लायक होगी तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। बोल ना, क्या बात है, बेटी की शादी में कोई परेशानी हो गई है क्या? हाँ आशा, परेशानी तो है, अगर मैंने तेरी बात पहले मान ली होती तो मुझे आज इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बता तो क्या हुआ है, मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। आशा, क्या तू मुझे अपनी बड़ी बेटी सीता का पूरा सोने का सेट 2 दिन के लिए दे सकती है? मेरी बेटी के ससुराल वालों ने कहा है कि सगाई सोने के गहने पहनकर ही होनी चाहिए, और मेरे पास अभी है नहीं। अब आई ना आप मतलब की बात पर, इतनी देर से पहेलियाँ बुझा रही थी आप, सीधी बोलती ना। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? आंटी जी इतनी परेशान हैं और आप उनकी परेशानी का मजाक बना रही हैं। मजाक नहीं बना रही हूँ, सही बोल रही हूँ। हमारे पास कौन से पैसे
और गहनों के पेड़ लगे हैं जो हम उनको उठा कर दे दें। सीता, ये क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? और वो गहने मैंने बनवाए हैं और वो मुझसे बात कर रही है, ना कि तुझसे, समझी? लेकिन बनवाए तो मेरे लिए ही है ना, तो किसको देने हैं किसको नहीं ये मेरी मर्जी है। अच्छा ऐसे बात है, तो अब तो मैं तुम्हारे गहने दे कर रहूंगी। 2 दिन की बात है, कौन सा हमेशा के लिए मांग रही है? माँ, लेकिन वो सोने के गहने हैं, अगर कुछ हो गया तो दोबारा कैसे बनवा पाओगी आप? और अगर फिर भी आप आंटी को मेरे गहने देना चाहती हो तो उन्हें मुझे गहने का किराया देना होगा। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? आंटी जी की मदद करने की जगह आप उनसे गहनों का किराया मांग रही हैं? आशा, कहने को तो तुम्हारी दोनों बेटियां जुड़वा हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, शक्ल एक होने से गुण और सीरत एक नहीं हो जाती। वैसे ही तुम्हारी दोनों बेटियों के साथ है, एक इतनी समझदार और निस्वार्थ है तो दूसरी मतलबी और लालची है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ, मेरी बेटी की सगाई हो जाए बस, और मुझे टाइम मिल जाए तैयारी का। मीरा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आशा अपनी दोनों बेटियों और गहनों को लेकर अपनी पड़ोसन मीरा के घर उसकी बेटी की सगाई फंक्शन में जाती है, जहाँ पहुँच कर एक तरफ सीता अपने फोन में लग जाती है, वहीं दूसरी तरफ गीता मेहमानों की देखभाल करने में लग जाती है। तभी वहाँ बैठी दामिनी की नज़र गीता के ऊपर जाती है और वो उसे पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। और फंक्शन खत्म होने के बाद दामिनी मीरा के पास जाती है और उसे अपने मन की बात बताते हुए गीता उसके परिवार वालों के बारे में जानने की कोशिश करती है। और अगले दिन मीरा और अपने बेटे आकाश के साथ आशा के घर पहुंचती है और कहती है, देख ये तेरी दोनों जुड़वा बेटियों की नसीब की बात है, मेरी बेटी की सगाई में गई तो दोनों ही थी, लेकिन दामिनी जी की नज़र गीता पर ही क्यों पड़ी? क्योंकि रिश्ता उसी के नसीब में था, बल्कि मैंने उन्हें तेरी दोनों जुड़वा बेटियों के बारे में बता दिया था, फिर भी उन्हें तेरी छोटी बेटी गीता ही पसंद आई, इसीलिए हाँ कर दे, तेरी बेटी खुश रहेगी, अच्छा परिवार है। अपनी पड़ोसन मीरा की बात सुनकर आशा अपनी बेटी गीता को बुलाकर सबसे मिलवा देती है और दोनों की शादी के लिए हाँ कर देती है। तभी दामिनी पंडित को फोन करके दोनों की शादी की तारीख पक्की करके गीता को अपने घर का खानदानी हार पहना देती है। कुछ समय बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सीता वहां आती है और अपने घर में इतना सारा सामान और गीता के गले में भारी हार देखकर अपनी माँ आशा से कहती है, माँ आज आपकी कौन सी लोटी लग गई है जो घर में इतना सारा सामान आ गया है, और तुझे इतना भारी हार किसने दिया है? तुझे बाहर घूमने से फुर्सत मिलेगी, तभी तो ये घर में क्या हो रहा है तुझे पता चलेगा ना। ऐसा भी क्या हो गया माँ जो आप आते ही सुनाने लगी मुझे, क्या मिस कर दिया मैंने? अपनी छोटी बहन का रिश्ता मिस कर दिया तूने, अगर तू होती तब देखती तेरी बहन के लिए कितने बड़े घर से रिश्ता आया था, और उन लोगों ने खुद आगे से गीता का हाथ मांगा है, वो भी बिना दहेज के। शायद लोग सही कहते हैं, जुड़वा होने से कोई किसी का नसीब नहीं ले लेता। कहां मैं तेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ ढूंढ कर परेशान होती जा रही थी, और एक तेरी छोटी बहन का नसीब है जिसे घर बैठे इतना अच्छा और इतने बड़े घर का रिश्ता मिल गया, सब किस्मत की बात है। आपने सही कहा माँ, है तो सब किस्मत की बात, और अब इसकी किस्मत और इसका ये बड़े घर का रिश्ता दोनों ही मैं चुराऊंगी। बहुत सुन ली है नसीब की बात, अब अपना नसीब मैं खुद लिखूंगी, और इतने बड़े घर में शादी तो मेरी ही होगी। आपने सही कहा माँ। सीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ सीता अपनी छोटी बहन गीता की शादी तुड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो जाती थी। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और गीता और आकाश की शादी का दिन भी आ जाता है, जहाँ एक तरफ सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीता अपनी बहन की जगह लेने के लिए अपने जुड़वा होने का फायदा उठाकर उसके कमरे में जाती है और उसे बेहोश करके खुद उसका शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में आकर बैठ जाती है और शादी की रस्में शुरू हो जाती है। और जैसे ही सीता फेरे लेने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है, तभी गीता जख्मी हालत में वहां आकर उसे रोकते हुए कहती है, बस करिए दीदी, हमेशा हर जगह अपना फायदा देखना ठीक नहीं होता है। आप पैसों और धन और दौलत की लालच में इतनी अंधी हो गई हैं
कि मेरी जगह लेने के लिए मेरे होने वाले पति के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो गई हैं। ये सब क्या हो रहा है और तुम्हारे सर से इतना खून क्यों निकल रहा है? तुम ठीक हो? सच में मैंने आज तक तुम जैसी लालची लड़की नहीं देखी जो अपने लालच के चक्कर में अपनी छोटी बहन का घर बर्बाद करने में पीछे नहीं हट रही। शायद तुम ये भूल रही हो, सूरत एक होने से सीरत एक नहीं हो जाती। अगर ये शादी हो भी जाती तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाता। दीदी, आपका धोखा तो भगवान को भी मंजूर नहीं हुआ, तभी मुझे समय पर होश आ गया और मैंने आकर आपको इतनी बड़ी गलती करने से रोक दिया। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने वही किया है जो सही है। मुझे समझ में नहीं आता है तुझ में और मुझ में फर्क ही क्या है जो लोग तुझे इतना पसंद करते हैं मुझे नहीं। दीदी, आपको खुद सोचना चाहिए कि आप में कमी क्या है। एक बार मेरी बातों को सोच कर देखिए, क्या आप सही कर रही थी? आप एक बार प्यार से बोल देती कि ये रिश्ता आपको पसंद है, मैं खुद पीछे हट जाती। अपनी बहन की बात सुनकर सीता को अपनी हरकतों और अपने स्वभाव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो सबसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। साथ ही ये बात भी समझ जाती है कि जुड़वा होने से किस्मत एक नहीं होती है, जिसके बाद वो खुद खुशी खुशी अपनी छोटी बहन की शादी करवाती है। और इस तरह से आशा की जुड़वा बेटियों के नसीब में जो होता है वो उनको मिल जाता है।